नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं ब्रेकआउट स्टॉक्स जो ब्रेकआउट कर सकते हैं या फिर जो जिन स्टॉक्स ने ब्रेकआउट कर दिया है। चलिए मैं आज आप लोगों को ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिन स्टॉक्स ने ब्रेकआउट कर दिया है, और जो स्टॉक्स अभी ब्रेकआउट करने वाले हैं वो सारे चार्ट में जो है टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए डाल दूंगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल पर जाके वो चार्ट चेक कर सकते हैं कि अभी कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट होना बाकी है या फिर कौन से स्टॉक जो है अभी कुछ दिनों के अंदर ब्रेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है सीखने को मिलने वाली हैं। वहां पर हम जो है बैंक निफ्टी के चार्ट कंटिन्यू पोस्ट करते हैं, वहां पर इंट्राडे के सारे कॉल्स वगैरह जो भी है वहां पर हमने देते हैं, चार्ट हो गया या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इन सारी चीज़ों के बारे में वहां पर जो है हम पूरा लॉजिकली हम वहां पर बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज जो है जो इस टाइम जो स्टॉक्स जो ब्रेकआउट दे चुके हैं उनके बारे में। तो पहला स्टॉक हमारा यहाँ पर है डीएलएफ। तो डीएलएफ यहाँ पर देखिए कंटिन्यू, आप जैसा कि देख रहे थे कंटिन्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इसका जो हर्डल था वो 220 के पास इसका एक हर्डल था और हर्डल के पास ये कंटिन्यू सस्टेन कर रहा था। फाइनली देखिए इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और अगर यहाँ पर आपने वॉल्यूम की तरफ ध्यान देंगे तो वॉल्यूम भी इस कैंडल में बहुत अच्छा लगा हुआ है। सो यहाँ पर देखिए एंट्री लेने का जो एक परफेक्ट प्लेस मैं आपको बता दूं, अगर ये रीटेस्ट होता है और रीटेस्ट होने के बाद आपको ये कहीं 220 या 222 लेवल के आसपास मिलता है तो एक परफेक्ट प्लेस होगी एंट्री लेने के लिए। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बड़ा हो सकता है। आप यहाँ पर 220 के आसपास एंट्री लेकर यहाँ पर जो है देखिए 205 या 207 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, या फिर जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल का लो भी आप यहाँ पर पकड़ के चल सकते हैं 214 का स्टॉप लॉस। तो चलिए अगला हम स्टॉक्स की बात करते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी यहाँ पर देखिए जैसा कि मैं आप लोगों को कंटिन्यू बता रहा था कि एक ऊपर से यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था और ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करने के बाद भी कंटिन्यू एक हर्डल था इसके लिए कहीं 5100 रुपये का। तो फाइनली देखिए 5100 रुपये का जो लेवल इसने ब्रेक किया वो 18 दिसंबर कैंडल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पर देखिए अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो 5230 रुपये के ऊपर यहाँ पर एंट्री ली जा सकती है। अदरवाइज यहाँ से एक मैं आप लोगों को यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये देखिए अगर यहाँ पर आप पोजिशन के लिए एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिटेस्ट होकर इस जो है ट्रेंड लाइन के आसपास आने दीजिए, तो यहाँ पर जो है एंट्री यहाँ पर बेस्ट एंट्री रहने वाली है। नेक्स्ट मैं बताऊंगा सबसे जबरदस्त स्टॉक्स पीडीलाइट। तो यहाँ पर पिडिलाइट ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इतना जबरदस्त वॉल्यूम यहाँ पर लगा हुआ है कि पिछले कहीं भी पूरा आप यहाँ पर अगर पीछे जितना भी सिनेरियो देखेंगे यहाँ पर मेरे को देखिए यहाँ पर पूरे 2020 के अंदर कहीं भी इतना वॉल्यूम दिखाई नहीं दिया जितना इस कैंडल के अंदर लगा हुआ है। और फाइनली अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए लॉजिकली हम यहाँ पर बात करेंगे, ये देखिए एक चैनल असेंडिंग चैनल में पिडिलाइट जो है काम कर रहा था और फाइनली देखिए असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हो गया है। और इससे पहले भी अगर यहाँ देखें तो एक रेजिस्टेंस था जो इसका पिछला हाई लगा हुआ था वो नियर अबाउट वो जो हाई था वो 1709 के आसपास का था, हम 1710 लेकर चलते हैं तो 1710 का हाई था। तो फाइनली देखिए अभी 1710 के हाई के आसपास भी कहीं नहीं है, ये 1710 के बहुत ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दी है 1731 पर। अब यहां पर ये एक देखिए बहुत अच्छा मेरे को दिखाई दे रहा है यहां पर, अगर पोजीशन बनाने के लिए यहां पर पोजीशन बनानी हो तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, 1710 1720 के आसपास मिलता है तो यहां पर एक बेस्ट एंट्री रहने वाली है। इस कैंडल का जो है जो ये कैंडल एक बड़ी सी बनी हुई है यहां पर इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर हम जो है यहां पर लॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा जुबिलैंड फूड। तो जुबिलैंड फूड देखिए यहां पर अगर मैं एक इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो आपको यहां पर एक फ्लैग पैटर्न दिखाई देगा। तो ये देखिए ये इसका पोल हो गया और इसका फ्लैग हो गया, और फाइनली देखिए यहां पर इस पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। यहां पर अभी इंट्राडे में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो 2820 रुपए के ऊपर क्लोज करता है तो यहां पर एंट्री लेने का एक बेस्ट जगह है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस की। तो बजाज फाइनेंस देखिए मैंने ये चार्ट जो है आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल में ही पोस्ट किया था, तो ये देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट है, यहाँ पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा था, ये इसकी पोल है और ये फ्लैग है। और फाइनली देखिए यहाँ पर पोल एंड फ्लैग का जो ब्रेकआउट है वो 15 दिसंबर को ये हो गया था, तो एक बजाज फाइनेंस ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पर क्या है एक रीटेस्ट करने का हमने वेट करना है, अदरवाइज यहाँ पर जो सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है वो यहाँ पर इनसाइड कैंडल सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर एक बेस्ट जो एंट्री हो सकती है इंट्राडे के लिए वो 5305 के ऊपर यहाँ पर एक बेस्ट एंट्री हो सकती है। 5305 के ऊपर हम यहां पर टारगेट जो है 5350 और जो है 5400 का यहां पर टारगेट इंट्राडे के लिए हम यहां पर लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे डीवी स्लैब। तो डीवी स्लैब यहां पर देखिए आपको चार्ट में क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर देखिए जो रेंज में काम कर रहा था, पहले मैं ट्रेंड लाइन डिलीट कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक डीवी स्लैब एक रेंज में काम कर रहा था, ऊपर की रेंज थी 3770 रुपये और जो नीचे की रेंज थी वो 3570 के आसपास। तो हम कह सकते हैं
कि ये 200 पॉइंट्स की यहां पर एक रेंज थी और फाइनली यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है। और यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो सेम बजाज फाइनेंस वाला सिनेरियो वहां पर बनता हुआ दिख रहा है, यहां पर भी इनसाइड कैंडल हमको दिख रही है। तो यहां पर 3865 रुपए के ऊपर इंट्राडे के लिए एक बेस्ट एंट्री होने वाली है। पोजिशनल भी लेकर जाना चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं, पर देखिए मैं जो यहां पर वीडियो आप लोगों के लिए डालता हूं ये सारे एजुकेशनल पर्पज के लिए होते हैं। इसको अपनी एंट्री लेने से पहले एक बार अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिए या अपने एडवाइजर से जो है सलाह जरूर ले लीजिए। सो यहां पर 3865 रुपए के ऊपर यहां पर एक बेस्ट एंट्री होने वाली है। मे बी मंडे के दिन ये 3865 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो हम यहां पर 3900 का लेवल बहुत जल्दी देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक हमारा इंफोसिस। तो इंफोसिस यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं काफी दिनों से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है सपोर्ट ले रहा था। इसी ट्रेंड लाइन के पास आता था, बाउंस बैक करता था, फिर आता था, फिर बाउंस बैक करता था। फाइनली देखिए इसका जो लास्ट हाई लगा हुआ था, प्रीवियस हाई जो था इसका, वो इसका हाई लगा था 1186 रुपए का। तो यहां पर देखिए जो फ्राइडे की जो यहां पर क्लोजिंग आई है वो 1195 रुपए आई है। तो मतलब एक हाई लगा था 1180 82 और यहां पर क्लोजिंग 1195, तो मे बी एक बहुत अच्छा हाई है। तो यहां पर जो क्लोजिंग है, यहां पर क्लोजिंग की बात करेंगे 1190 के आसपास क्लोजिंग है। अब यहां पर एक बार इसको 1200 के ऊपर निकलने दीजिए, 1200 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद यहां पर एंट्री बनाई जा सकती है। इंट्राडे में भी ये जो है आप एंट्री बना सकते हैं और जो है पोजिशनल के लिए भी 1200 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद यहां पर एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की हम बात करेंगे वो है रेमंड। तो रेमंड यहां पर देखिए फाइनली अगर मैं पहले ये सिनेरियो आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट भी काफी अच्छा हुआ है, वॉल्यूम भी काफी यहां पर अच्छा लगा हुआ है। अब मैं पीछे आपको लेकर चलूंगा और पीछे यहां पर आपको दिखाऊंगा। तो ये एक रेजिस्टेंस था, पीछे जो इसका हाई लगा हुआ था वो 345 के आसपास का था और फाइनली यहां पर जो हाई लगा है अब ये 372 के आसपास का हाई लगा हुआ है। तो देखिए यहां पर अगर आपको एंट्री लेनी है तो सबसे पहले तो यहां पर इस चार्ट को देखिए, 362 के ऊपर यहां पर इंट्राडे में एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज पोजिशन में जाना चाहते हैं तो 372 के ऊपर एक बार निकलने दीजिए। तो यहां पर एक बहुत अच्छा बूम होने वाला है रेमंड में, जैसा कि चार्ट यहां पर देखने में लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा डीमार्ट। तो देखिए डीमार्ट यहां पर देखिए ब्रेकआउट के बाद अब देखिए यहां पर कंटिन्यू रीटेस्ट करने के लिए आ रहा था और रीटेस्ट करने के बाद फाइनली देखिए हमें ग्रीन कैंडल का हम एक वेट करते हैं और ग्रीन कैंडल बनने के बाद वहां पर एंट्री अपनी डिसाइड करते हैं। तो अभी यहां पर इसके लिए जो हल्का छोटा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 2660 के आसपास का दिख रहा है। 2660 का लेवल एक बार क्रॉस होने दीजिए, इसके बाद हम यहां पर इंट्राडे में पोजीशन बना सकते हैं 2700 और 2750 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी। तो एचडीएफसी देखिए यहां पर फाइनली जो है एक रेंज में काम करते हुए इसने जो है ब्रेकआउट तो दिया, बट इस टाइम जिस लेवल पर खड़ा है वो लेवल देखिए, अगर मैं पीछे आप लोगों को लेकर चलूं तो ये देखिए ये इसका लाइफ टाइम जो पीछे हाई लगा हुआ था 2509 के आसपास का पिछला शायद इसका हाई था, ये यहां पर मैं देख लेता हूं, हाँ 2500 के आसपास का इसका हाई लगा हुआ है। तो यहां पर जो ये कैंडल बनी हुई है जो थर्सडे की कैंडल जो एक्सपायरी डे की कैंडल बनी थी ये 2509 की बनी थी, तो इसका 2509 हाई लगा था। अब यहां पर देखिए जो हमने बजाज फाइनेंस में देखा और जो हमने डिविस लैब में देखा वही हम एचडीएफसी में देख रहे हैं, इनसाइड कैंडल यहां पर भी इनसाइड कैंडल बनी हुई है और यहां पर 2510 के ऊपर एचडीएफसी एक जबरदस्त मूव देने वाला है। सो इस मूव को अगर कैप्चर करना चाहते हैं तो अपने टेक्निकल एनालिसिस, अपने डाटा एनालिसिस, अपने सारे कंफर्मेशन के बाद इसमें एंट्री लीजिए, यहां पर एक आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए एसआरएफ। तो एसआरएफ भी देखिए फाइनली यहां पर ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट देने के बाद यहां पर एक देखिए डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है, तो मे बी यहां से थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए इसको एक बार आने दीजिए। ये यहां पर जो मैंने यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, पहले मैं पिछली ट्रेंड लाइन यहां पर डिलीट कर देता हूं तो आपको देखने में आसानी होगी। अब यहां पर देखिए एक बार इसको यहां पर दोबारा इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने दीजिए, दोबारा इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, यहां पर डोजी बनाता है, हैमर बनाता है, तो उसके ऊपर आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। ये एंट्री जो है हमारी एक बेस्ट एंट्री होगी। चलिए इससे पहले मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वहां पर जाके वीडियो देख सकते हैं। निफ्टी में मैंने निफ्टी की एनालिसिस करके बताई है और निफ्टी में 50 जो भी स्टॉक्स जितने ट्रेड करते हैं निफ्टी 50 में वो सारे स्टॉक्स की हमने एनालिसिस विद सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने सब कुछ वहां पर बताया हुआ है। और बैंक निफ्टी की जो वीडियो बनाई है उसमें बैंक निफ्टी की मैंने एनालिसिस करी है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए और बैंक निफ्टी के सारे बैंकिंग स्टॉक की मैंने वहां पर एनालिसिस करके बताई है, तो वहां पर जो है जाके वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।